इसे बनाने के लिए मैंने लिया है बर्गर्स और ये आपको मार्केट में आसानी से मिल जाएगा। और बर्गर को अब हम थोड़ा सा सेक लेते हैं। बर्गर को सेकने के लिए मैंने लिया है पैन और इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा बटर और बटर को हम थोड़ा सा मेल्ट कर लेते हैं। अब हम लेंगे एक बर्गर और इसके हम नीचे वाइट वाले पार्ट को बटर के ऊपर इस तरीके से डालेंगे और दूसरा पार्ट भी हम डालेंगे और दोनों को हम थोड़े से नीचे की तरफ से हल्के लाल ना हो जाए तब तक थोड़ा सा सेक लेंगे। हमें बहुत ज़्यादा नहीं सेकना है, हम इसे मीडियम हाई फ्लेम पर रखकर नीचे की तरफ से थोड़ा सा सेक लेते हैं। ये देखिए बर्गर हमारे नीचे की तरफ से सेक गए हैं। अब इसे हम पैन से बाहर निकाल लेते हैं, हमें उलटकर इसे नहीं सेकना है। दोनों बर्गर को मैंने नीचे की तरफ से सेक लिया है और इस साइड से हम इसे नहीं सेकेंगे। और अब इसके ऊपर हम सारे सॉसेस और टिक्की लगाते हैं। बर्गर बनाने से पहले मैं आपको एक बार बताना चाहती हूँ कि मैंने आलू टिक्की पहले से ही बना लिए हैं। अगर आप आलू टिक्की की रेसिपी देखना चाहते हैं तो आप मेरे क्रिस्पी वेज आलू टिक्की के वीडियो को देख सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो ये देखिए हमारी आलू टिक्की बिल्कुल तैयार है। अब चलिए हम वेज बर्गर बनाना स्टार्ट करते हैं। वेज बर्गर बनाने के लिए मैंने लिया है बर्गर और इसके ऊपर अब हम लगाते हैं टोमेटो सॉस। हम एक चम्मच टोमेटो सॉस नीचे वाले ब्रेड की ओर लगाएंगे जो ये इस तरीके से फ्लैट है और फिर इसके ऊपर हम लगाते हैं लेट्यूस लीव जिसे हम चाइनीज़ कैबेज भी बोलते हैं। अगर आपके पास चाइनीज़ कैबेज नहीं है तो आप पत्ता गोभी को भी महीन काट कर लगा सकते हैं। ये है हमारी लेट्यूस लीव्स जो आपको मार्केट में मिल जाएगी। इसे हम सॉस के ऊपर लगाएंगे। फिर इसके ऊपर हम रखते हैं टिक्की, ये मैंने वेज टिक्की बना के रखा हुआ है, इसे रखते हैं। और इसके ऊपर अब हम लगाते हैं मायोनीज़। मैंने फन फूड्स के मायोनीज़ का यूज़ किया है, इसे आप मार्केट में आसानी से खरीद सकते हैं। ये प्लेन मायोनीज़ है तो इसमें हम थोड़ा सा टोमेटो सॉस डाल देते हैं जिससे कि इसका टेस्ट और अच्छा आएगा। हम इसमें दो चम्मच टोमेटो सॉस डालेंगे और डालकर इसे हम बिल्कुल अच्छी तरीके से मिक्स कर लेते हैं। टोमेटो सॉस को मैंने मायोनीज़ के संग अच्छी तरीके से मिक्स कर दिया है और इसे अब हम टिक्की के ऊपर लगाएंगे। हम इसका थोड़ा थिक लेयर लगाएंगे जिससे खाने में ये अच्छा लगेगा। मायोनीज़ को टिक्की के ऊपर फैलाने के बाद अब इसके ऊपर हम वेजीज भी लगा देते हैं। तो मैंने यहाँ पे कटे हुए प्याज लिया है, दो प्याज हम रखते हैं और दो टमाटर हम इसके ऊपर रख देते हैं और आप चाहें तो खीरा भी यूज़ कर सकते हैं। आप जैसे भी वेजीज खाना पसंद करते हैं वो आप मेयोनीज़ के ऊपर लगा सकते हैं। और लास्ट में इसमें हम चीज़ी बनाने के लिए इसके ऊपर हम लगाते हैं चीज़ स्लाइस। मैंने लिया है अमूल चीज़ स्लाइस और इसे हम वेजीज़ के ऊपर रखते हैं और फिर हम इसे ऊपर से इस तरीके से कवर कर देंगे और हल्का सा हम प्रेस कर देंगे जिससे ये पूरी तरीके से सेट हो जाएगा। और अब इसके ऊपर लास्ट में हम लगाते हैं टूथपिक जिससे कि बर्गर पूरी तरीके से सेट हो जाएगा और टूटने नहीं पाएगा। तो इस तरीके से हमारा वेज बर्गर बिल्कुल तैयार हो गया है। इसे आप चाहें तो अपने अकॉर्डिंग कैसे भी असेंबल कर सकते हैं। चलिए इसे हम टेस्ट करके देखते हैं कि ये कैसा बना है। ये बहुत ही यमी लग रहा है और खाने में बहुत टेस्टी लग रहा है। इसे आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये बच्चे और बड़े दोनों ही बहुत पसंद करेंगे। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी वेज बर्गर की रेसिपी? अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ अपने सुझाव मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर दीजिए। और भी नए रेसिपीज़ देखने के लिए आप मेरे चैनल मिन्स रेसिपीज़ पर विजिट कर सकते हैं और गूगल प्ले स्टोर से आप मिन्स रेसिपीज़ ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं।